त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराने के बाद पोलिंग पार्टियां मतपेटियों को लेकर अपने अपने विकास खंडों पर पहुंची और वहां बनाए गए काउंटर पर मतपेटिकाओं को जमा किया, जिसके बाद मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में जमा कराया गया। उसके बाद पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य को रवाना हुई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने कहा, जो यहाँ से मतपेटियाँ में उद्योग लगाए गए हैं नहीं, कोई नहीं भाई, बाहर निकल पहले, बाद में गाड़ी पीछे कर लीजिए, गाड़ी बाहर करो, पार्किंग में कर लीजिए ले जाके। पोलिंग पार्टियों को जहां से रवाना हुई थी वहीं पर वापस आना है। स्ट्रांग रूम के बाहर रिसीविंग के काउंटर बने हुए हैं, जो उनका बूथ का काउंटर बना है वहां जाकर के उन्हें अपनी मतपेटी का और उसके साथ जो भी आवश्यक प्रपत्र हैं उनको जमा करना है। इसके बाद उनके पास गाड़ी है और गाड़ियों से फिर उनको अपने गंतव्य पे या अपने घर की तरफ रवाना होना है। काउंटिंग 2 मई को है, अभी उसके लिए अलग से पार्टियों का गठन किया जाएगा।